राष्ट्रपति जी के पास जाना चाहते हैं और उनको जगाना चाहते हैं भी जो अंधेरा किया आपने लोगों की जिंदगी में, किसानों की जिंदगी में, उनको थोड़ा याद आ जाए, उठ खड़े वो अंजाला हो जाए। नहीं नहीं नहीं, निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे, बिल्कुल नहीं पिए। ये अब भी प्राइम मिनिस्टर के हम ये धक्का कैसे कर रही है, हम क्या प्राइम मिनिस्टर को खा जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर के साथ से आए हैं हम एमपी, हमारे पास सवाल है, गोली है हमारे पास, क्या है क्या नहीं, हमारे पास बम है नहीं, क्या हमारे पास बम है? बम है पार्लियामेंट के अंदर से आए हैं, हम राष्ट्रपति जी के जाना चाह रहे हैं। अरे लग गया तो मैं क्या सांसदों के साथ में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्टी कांग्रेस लगातार प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये देखिए आप बढ़िया, देखिए एमपी साहब क्या कहना है, एमपी साहब ठीक है, क्या क्या एमपी साहब क्या कहना है, आप अपनी खड़े रहिए, खड़े रहिए, और क्या बिट्टू जी, आपको बताइए किस बिट्टू जी, अंदर से आए हम बिट्टू जी, धक्का मुक्की हुई है आपके साथ, बिट्टू जी आपके सामने हुई है, हम क्या कह रहे थे, हम एक लाइट लेके राष्ट्रपति के घर जा रहे थे, वो बात कर रहे हैं, कोई काम कोई 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 गलती की, वो कितने यहाँ हमारा प्रोटोकॉल नहीं आ रहा है, हमारा मुझे ये मुझे किस लिए आप कन्फर्म करो, कन्फर्म कर रहा हूँ सबसे बड़ा आप थोड़ा यहाँ देखो, प्लीज नहीं रुको, रुको यहाँ पे और उसे बढ़ा के लेके आओ, प्लीज सोशल कहानी अंदर से निकल के आए हैं और राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, ये अचानक 5-10 इंस्पेक्टर जो धक्के इन्होंने मारे हमें, जबरदस्ती हमें मारने की कोशिश की है इन्होंने, ये लाइटें हम तो आराम से जा जा रही है पैदा, अचानक ये आए, अरे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ से आया अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर हम बम है, हम टेररिस्ट है, हमारे पिस्तौल डाले हुए जो हमारे को ये धक्का दे रहे थे, जितनी देर उसे सस्पेंड नहीं करेंगे तो ये पार्लियामेंट में भी आवाज उठेगी और होम मिनिस्टर से भी उठेगी, मैं जाके धरने पे बैठूंगा होम मिनिस्टर के घर के बाहर अगर ये सस्पेंड नहीं होगी, ये ताकत है लोगों की दी हुई, मेरा मेरी मेरी टांग टूटी हुई है और ऊपर से इन्होंने आके धक्का मुक्की की है, हम हमने किसी को बोला, हमने कोई कुछ तोड़ा कानून तोड़ा बताए तो सही है, इनको पता नहीं प्राइम मिनिस्टर निकल रहा है कोई यहाँ पे टेररिस्ट आए हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं दिल्ली पुलिस को, लेकर आप यहाँ पहुँचे थे, हम 5 आदमी आप यहाँ पहुँचे थे, हम तो राष्ट्रपति, क्योंकि खेती ऑर्डिनेंस जो बिल था वो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति जी को वहाँ जगाने के लिए जा रहे थे, उनके घर मोमबत्ती लगाने जा रहे थे, भी सरकार तो सो गई, मार दिया किसान सारा, माँ हमारी मार दी धरती, उसे मरने ना ही नहीं देंगे, वो जगाने के लिए हम जा रहे थे और अपने आप ये 100-200 आदमी पुलिस वाला आके हमें किडनैप करना चाह रहा था, हमें उठाने लगा था, ये तो आप मीडिया आ गया सामने जिन्होंने हमारा बचा किया, नहीं पता नहीं ये हमारे साथ क्या करते, ये बदमाश हैं, वर्दी में बदमाश हैं, और कल होम मिनिस्टर के घर के बाहर बैठेंगे, नहीं स्पीकर के घर में हाउस में अंदर बैठेंगे, जितनी देर एक कांस्टेबल
जिसने मेरा गला दबाने की कोशिश की, अचानक आके एक लंबा सा लड़का है, तो ये कहीं ना कहीं दबाने की चीज, किसान बेचारा क्या करेगा? ये इतने बड़े एमपी चार, उनके साथ ये हशर, अचानक हम तो अपनी साइड पे पैदल तुरे जा रहे थे, पता नहीं क्या इनको हुआ क्या नहीं हुआ, आपके सामने है। लेकिन ये चीजों से झुकेंगे नहीं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हमने टेररिज्म खत्म किया है, ये हमारे को ऐसे डरा लेंगे? अब तैयार रहें, और तीव्र होगा और एजिटेशन, हम अपने आप को आग लगा लेंगे कल को, अगर इनको सीख नहीं दी जाएगी और हमारे फार्मर्स को राइट नहीं मिलेगा।